चलिए दोस्तों, आज हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू करते हैं एशियन के लेटेस्ट स्नीकर शूज की। नेक्स्ट आर्टिकल है कार्निवल 13 एल ग्रे व्हाइट कलर का, 1999 इसकी एमआरपी है। तो आपको हमेशा ये फीडबैक का एक कार्ड जरूर मिलेगा और इसमें लिखा है अगर आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आया है तो हमें 5 स्टार का रेटिंग दीजिए। तो अगर आपको एक्चुअल में ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो इनके जहां से भी आपने लिया है वहां 5 स्टार का रेटिंग जरूर दीजिएगा। सबसे पहले इसका हम लोग लुक देखते हैं, लुक वाइज देखिए और कलर कॉम्बिनेशन देखिए, बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन दिया है, व्हाइट और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन। इस तरीके का स्नीकर्स लुक वाइज बहुत ही अच्छे लगते हैं इस वाले सोल से। इसका सोल थोड़ा सा बेटर लग रहा है, वो थोड़ा सा ज्यादा शाइनिंग या उसका जो मटेरियल की क्वालिटी थी वो थोड़ा सा कम लग रहा था, लेकिन इसके मटेरियल की क्वालिटी उससे बेटर लग रहा है। मिड सोल में देखिए रबड़ का यूज किया गया है, अपर फिर से वही लेदर का बनाया गया है। आप इस पार्ट पे देखिए आगे के एरिया में, यहाँ पे जो आपको होल दिख रहा है ये एक्चुअल में होल नहीं है, सिर्फ उस जैसा यहाँ पे फ्रेमिंग किया गया है। वेंटिलेशन के लिए इसका जो पैटर्न है वही काफी है, वैसे यहाँ पे भी देखिए वेंटिलेशन के लिए छेद टाइप का दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ डिजाइन है, उसमें छेद नहीं है। अंदर से देखा जाए तो अंदर इन्होंने मेमोरी फोम का यूज किया है, टंग में इस वाले में अच्छी फोमिंग का यूज किया गया है, वो चाहे टंग पे हो चाहे बैक कॉलर पे हो। इसके रिबन के एरिया में आया जाए तो रिबन के एरिया में भी काफी अच्छे से इन्होंने पकड़ बनाने की कोशिश की है, ये देखिए। तो ओवरऑल स्नीकर 1000 रुपए में बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ये मैं कह सकता हूं इसको कि आने वाले समय में बहुत ही अच्छी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन आपस के ब्रांड में देखने को मिलेगा, तो इसमें कंज्यूमर को फायदा होगा और इससे भी बेटर बेटर, इससे भी सस्ते में आपको स्नीकर देखने को मिलेंगे। 410 ग्राम इसलिए क्योंकि इसका जो अपर एरिया है ये देखिए हाई एंकल पे ये स्नीकर्स बनाया गया है, इसके वजह से इसमें 10 ग्राम मेरे ख्याल से बढ़ गया। ओवरऑल देखा जाए तो वेट मैनेजमेंट दोनों जूते में बहुत ही अच्छा किया गया है, इसमें एशियन को थम्स अप। एमआरपी है, एमआरपी को आप भूल जाइए, इसकी जो बिकने वाली सेलिंग प्राइस है वो लगभग लगभग आपका सब 1000 रुपए है। तो 1000 रुपए में बजटेड स्नीकर्स एशियन प्रोवाइड कर रहा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर कैंपस के भी ओजी जो कलेक्शन है वो भी 1700-1800 के रेंज में आ रहा है और उसमें ज्यादा आपको डिस्काउंट नहीं मिलता, मैक्सिमम रिटेल से आप लेंगे तो 20-25 तक ही डिस्काउंट उसमें मिलता है, तो उससे भी कंपेयर करेंगे तो बजटेड वाइज ये अच्छा है। एब्रॉस वगैरह नई कंपनी है लेकिन उनके भी जो एमआरपी है बहुत ही ज्यादा हायर है, तो बजटेड वाइज एमआरपी वाइज सॉरी सेलिंग प्राइस वाइज बहुत ही अच्छे जूते ये वाले हैं। और फ्यूचर में तो मैंने जैसे शुरू में बताया है, फ्यूचर में इससे सस्ते, इससे अच्छे अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के आपको स्नीकर्स मिलने वाले हैं। होप ये एशियन के स्नीकर शूज की हॉल आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।